हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर सबसेट्स ऑफ ए सेट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सबसेट्स, आज हम पर्टिकुलर सबसेट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास टू सेट्स होंगे ए एंड बी, और बी के एलिमेंट्स किस तरीके से ए के सबसेट्स में लाइज करेंगे, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टू सेट्स लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए के अंदर, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन ए एन, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से आप देख रहे हैं एन ऑफ ए हमारे पास क्या है, एन एलिमेंट्स। एंड दूसरा सेट जो हम लेंगे वो हमारे पास बी है, उसमें ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सॉन ए आर, ये इसके एलिमेंट्स हैं, आर एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे एन ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, आर होगा। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि आर और एन की, ये क्या है हमारे पास, तो वन लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन इक्वल्स टू एन, यानी ये जो हमारे पास आर है वो या तो वन के इक्वल होगा या फिर एन के इक्वल या फिर इन दोनों के बिटवीन होगा। तो इस तरीके से हम टू सेट्स ले रहे हैं। सबसे पहला सेट आप देखें ए, जिसके एलिमेंट है ए वन, ए टू, ए थ्री और ए एन, और बी सेट के एलिमेंट है ए वन, ए टू, ए थ्री और ए आर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आ गए और ये हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई कि क्या होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले कि एटलीस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन सबसेट्स ऑफ ए। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना, अब यहाँ से आप समझें, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमें क्या कह रहा जा रहा, क्या कहा जा रहा है कि एटलीस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी जो बी सेट है इसके सारे के सारे, यानी एटलीस्ट ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स किस में हों, सबसेट्स ऑफ ए में, यानी ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे ना उसके अंदर हों। तो ऐसे कितने हमारे पास क्या बनेंगे, सेट्स बनेंगे, ऐसे कौन कौन से सबसेट्स होंगे, हाउ मैनी नंबर ऑफ सबसेट विच कंटेन एटलीस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे टू टू पावर एन माइनस आर, ठीक है। क्या यूज करेंगे, टू टू पावर एन माइनस आर, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे कैसे। अब आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास टू सेट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, ए वन टू थ्री फोर, ओके। एंड बी हमारे पास जो सेट है वो हमारे पास क्या है, वन और टू एलिमेंट का। यहाँ से आप देखेंगे तो एन ऑफ ए हमारे पास कितना हो जाएगा, फोर, और एन ऑफ बी हमारे पास कितना है, टू। तो एन ऑफ ए हमारे पास कितना है, फोर, एन ऑफ बी हमारे पास कितना है, टू। अब यहाँ पे जब हम सबसेट बनाएंगे तो आपको पता है टोटल सबसेट कितने बनेंगे जिसके अंदर फोर एलिमेंट होते हैं, टू टू पावर एन होता है, तो टू टू पावर फोर यानी सिक्सटीन बनेंगे, कितने बनेंगे, सिक्सटीन बनेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से सबसेट्स चाहिए हमें, जो हमारे पास क्या होंगे, एटलीस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन सबसेट ऑफ ए, यानी ए के जितने भी सबसेट हैं उनमें सभी एलिमेंट्स होने चाहिए किसके, बी के। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखो जो पहला सेट बनेगा वो अपने पास क्या बनेगा, वन कॉमा टू, ये तो दोनों हो गए इसके अंदर। अब दूसरा हमारे पास वन कॉमा टू कॉमा थ्री, वन कॉमा टू फोर, तो ये इसके अंदर बन गए, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा हो गया,
ए वन, ये हमारे पास ए टू, ये हमारे पास ए थ्री, और लास्ट वाले में वन टू थ्री फोर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया, फोर्थ। अब यहाँ पे इसको समझे आप अच्छे से कि हमने वन टू थ्री फोर एलिमेंट्स वाला जो सेट है ए, उसके हमने क्या बनाने, सबसेट्स बनाने। अब उन सबसेट्स में क्या होना चाहिए, वन और टू होना चाहिए। ठीक है, यही तो हमसे पूछा जा रहा है। तो वन और टू दो एलिमेंट से जो बनेगा वो हमारे पास आ गया, फिर वन टू और थ्री से बनेगा वो भी आ गया, फिर वन टू फोर से बनेगा वो भी हमारे पास आ गया। ऐसे ही वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इनसे क्या बनेंगे, जो सबसेट्स बनेंगे वो यही आ गए अपने पास। ठीक है, यही हमें चाहिए थे इसके अंदर। अब हम सबसेट बनाएं फिर इसके बाद इसको लिखें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होगी तो हम सीधे ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, टू टू पावर एन माइनस आर। तो यहाँ से देखेंगे आप, ए के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, फोर हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या आएगा, टू टू पावर फोर, और आर के एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, टू हैं। तो ये हो गया टू टू पावर टू, यानी फोर सबसेट्स ऐसे होंगे, ठीक है, जिसके अंदर सेट बी के दोनों ये एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे एक तो हमने डायरेक्ट फाइंड किया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर सबसेट लिख के, और एक हम बाई द फॉर्मूला हम डायरेक्ट नंबर ऑफ सेट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जब हमें क्या कहा जाए कि शो करो कि कौन कौन से ऐसे सबसेट्स हैं जिनके अंदर वन टू लाइज करता है, तब तो हम ऐसे लिख देंगे। और जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आती है कि नंबर ऑफ सबसेट्स बताने जिसके अंदर वन और टू यानी बी सेट्स लाइज हो, तो ये हम यहाँ पे टू टू पावर एन माइनस आर यूज करेंगे। एन ए सेट के एलिमेंट्स हैं और आर सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से हम ये फाइंड कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, जब हमें एटलीस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, तो वो कितने होंगे, टू टू पावर एन माइनस आर। अब यहां से देखो, सेकंड की बात हम करते हैं यहां पे, तो हमने क्या क्या लिया, वो एग्जांपल के अंदर ए हमारा जो सेट है उसके अंदर वन टू थ्री फोर, फोर एलिमेंट्स हैं, यानी एन ऑफ ए इज इक्वल टू फोर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। ठीक है ना, तो देयर फोर एन इज इक्वल टू फोर। जो बी सेट हमारे पास, वो हमारे पास है वन कोमा टू, इसमें एलिमेंट्स अपने पास कितने हैं, हमारे पास टू है, तो देयर फोर आर की वैल्यू कितनी है, हमारे पास टू है। इनको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो जो सेकंड था, नो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी हमारे पास ऐसे कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है, किसके, ए के। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं, नो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी ए के जितने भी सबसेट हैं वो कौन कौन से होंगे या कितने होंगे जिसके अंदर क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। तो देखो किस किस के अंदर नहीं होंगे अपने पास, जिसके अंदर बी नहीं होगा, ठीक है ना, नो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो यहां से आप देखेंगे, एक तो थ्री का बनेगा अपने पास, ठीक है, एक अपने पास स्टार्टिंग कर लेते हैं किसका, फाइव, एक तो फाइव, एक अपने पास थ्री, एक अपने पास फोर, और एक अपने पास कौन सा, थ्री कॉमा फोर। ठीक है, और बाकी जितने भी सबसेट्स बनेंगे उसके अंदर क्या आएगा, वन आएगा या टू आएगा, देख पा रहे हैं आप इसमें कि फाइव के अंदर वन और टू नहीं है, थ्री के अंदर भी वन और टू नहीं है, फोर के अंदर भी वन और टू नहीं है, और थ्री और फोर का जो सबसेट बनेगा उसके अंदर भी नहीं है। तो नंबर नो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी का फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, टू टू पावर एन माइनस आर। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, टू टू पावर एन माइनस आर। तो यहाँ यूज़ कर लेंगे फोर माइनस टू, तो टू टू पावर टू, यानी कितने हो गए, फोर सबसेट ही हमारे पास ऐसे होंगे जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट अगर सेट बी का नहीं होगा ए के अंदर तो वो कौन कौन से सबसेट्स होंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
थर्ड में हमसे पूछा जा रहा है एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट भी, ठीक है ना, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट्स तो होना ही चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास 2^(n-2)^(n-r) होगा, क्या होगा, 2^(n-2)^(n-r)। अब सिंपल सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास वन यानी एलिमेंट्स होना चाहिए, किसका, b का एलिमेंट होना चाहिए इसके अंदर। जब नहीं था तो क्या फॉर्मूला था, 2^(n-r)। जब कोई भी एलिमेंट नहीं था तब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2^(n-r)। अब जो बचे हुए हैं उसके अंदर कौन है, कोई ना कोई एलिमेंट तो है वन और टू का, तो टोटल सबसेट कितने हैं, 2^(n) किसके, a के, ठीक है, कितने हैं, 2^(n), और इसमें से किसको हटा देंगे, 2^(n-r) को। तो यहां से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2^(4)-2^(4)-2, तो कितने हो गए, 16 और 2^2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास कितने हो गए, 16-4, इट मीन्स हमारे पास 12 सेट ऐसे होंगे जिसके अंदर क्या होगा, कम से कम एक एलिमेंट सेट बी का ज़रूर होगा। और वो यहाँ से फॉर्मूले से तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आप समझ पा रहे हैं ना, टोटल सबसेट कितने बनेंगे, ए के, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो, एन एलिमेंट्स हो, तो 2^(n), और जब एलिमेंट है ही नहीं किसका, सेट बी का, तब 2^(n-r), तो यहां पे कोई ना कोई एलिमेंट बचेगा जो बाकी के बच जाएंगे उसके अंदर, तो ये आ गया। अब हम इसको कैसे लिख लेते हैं, सब्जेक्टिव लिख लेते हैं, तो किस किस के अंदर है एटलीस्ट वन एलिमेंट, जैसे वन हो गया, फिर यहां पे कितना हो गया, टू, यहां पे हमारे पास एटलीस्ट वन होना ही चाहिए, एक एलिमेंट्स तो इसका होना ही चाहिए, तो 1^2, 1^3, 1^4 ये बन गए, फिर 2^3, 2^4, फिर उसके बाद 1^3, 4, 2^3, 4, फिर हमारे पास 1^2, 3, 1^2, 4, ठीक है। ये सारे के सारे आप सबसेट्स देख रहे हैं, इसके अंदर 1 है, 2 है, 1 2 है, 1 है, 1 2 2, 1 2, 1 2, 1 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से बच गए, देखो 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, फिर हमारे पास कितना आ गया, 1 and 2 आ गया, फिर 1 and 3 आ गया, 1 and 4 आ गया, फिर हमारे पास 2, 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2, 4 आ गया, ठीक है, 2, 4 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 आ गया, फिर हमारे पास 1, 3, 4, ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है, और लास्ट बचेगा अपने पास, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। तो अब इनको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये हमारे पास टोटल कितने, 12 सबसेट्स हो गए जिनके अंदर या तो वन है या वन और टू दोनों, यानी कम से कम क्या पूछा है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो उसका फॉर्मूला है 2^(n-2)^(n-r)। अब यहाँ पे हम फिजिकली लिखेंगे, यानी कि लिख के बताएंगे कि हाँ कौन कौन से होते हैं, तो इस तरीके से हम क्या लिख लेंगे, वो सबसेट से लिख लेंगे, ओके। तो ये हो गए हमारे पास तीन कंसेप्ट, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ हमसे पूछा जा रहा है एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना, यहां पे एग्जैक्टली वन यानी एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सबसेट्स बताने हैं अपने को, किसके, ए के, ठीक है। तो यहां पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो r^(2^n-r) यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, r^(2^n-r)। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके थ्रू हमारा जवाब क्या आ रहा है, r की वैल्यू कितनी है, 2, और 2^4-1, तो 2 × 2^3, तो कितने हो गए,
टू इंटू टू टू पावर थ्री कितना है एट, तो कितने हो जाएंगे सिक्सटीन, कितने हो जाएंगे सिक्सटीन। ये अपने पास कितना है टू है, तो ये कितने हो जाएंगे टू, तो ये कितने हो जाएंगे फोर, तो फोर टू ज़ा एट, यानी कितने होंगे एट ऐसे सबसेट्स होंगे हमारे पास जिसके अंदर एग्जैक्टली वन एलिमेंट होगा। हम फिजिकली लिख भी लेते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन आ गया, टू आ गया, एग्जैक्टली वन ही होना चाहिए, तो वन टू नहीं ले सकते, वन थ्री ले लेंगे, फिर कितना ले लेंगे वन फोर ले लेंगे, फिर ऐसे ही टू थ्री ले लेंगे, ये कितना हो गया टू फोर हो गया, ठीक है। इसके बाद वन थ्री फोर हो गया, फिर टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये हमारे पास कितने हो गए एट ऐसे सबसेट्स हो गए जिनके अंदर या तो वन है या फिर टू है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट वी, यानी सेट वी का अगर एक एलिमेंट है तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आर इंटू टू टू पावर एन माइनस आर, क्या यूज करेंगे आर इंटू टू टू पावर एन माइनस आर, ठीक है। ये वन नहीं था, कितना था आर था, आर इंटू टू टू पावर एन माइनस आर। तो यहां पे हम क्या कर देंगे वैल्यूज पुटअप कर देंगे, और या फिजिकली लिखना चाहें इससे सबसेट्स में से निकाल के, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एट मोस्ट वन एलिमेंट्स, एट मोस्ट वन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी सेट बी का ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट हो, ठीक है ना, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सबसेट्स हमें ढूंढने। तो यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे आर प्लस वन टू टू पावर एन माइनस आर यूज करेंगे, यहां पे क्या फॉर्मूला होगा उसका आर प्लस वन और टू टू पावर एन माइनस आर। अब हम देख लेते हैं यहां से कितना टू प्लस वन और ये टू टू पावर फोर माइनस टू, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है थ्री इंटू टू की पावर टू, यानी थ्री इंटू फोर यानी ट्वेल्व। ऐसे क्या होंगे हमारे पास सेट्स होंगे जिसके अंदर एट मोस्ट वन एलिमेंट ही होगा। तो यहाँ फिजिकली लिखना चाहिए तो फाइव जिसके अंदर नहीं है चलेगा, फिर एक ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिर कितना होना चाहिए एक ही होना चाहिए, तो ये टू आ जाएगा, ठीक है, फिर थ्री आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन कौन से लिख रहे हैं जिसके अंदर है ही नहीं, वो भी चलेगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होना चाहिए ना, तो यहाँ से आप फाइव जो नहीं है पहले उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे थ्री हो सकता है, फिर कितना हो सकता है फोर, ठीक है, फिर वन, फिर टू, फिर वन थ्री, वन फोर, टू थ्री, टू फोर, फिर थ्री वाले ले लेते हैं वन थ्री फोर, टू थ्री फोर, ठीक है। तो हम इनको काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वापस से काउंट कर लेते हैं, एक तो फाइव हो गया, ठीक है, फिर हमारे पास कितना हो गया थ्री हो गया जिसमें नहीं है, फोर हो गया जिसमें नहीं है, ठीक है, फिर वन, फिर टू, एग्जैक्टली वन ही है, फिर अपने पास वन थ्री, फिर वन फोर, ठीक है, फिर टू थ्री और टू फोर, ये आ गए हमारे पास, फिर हमारे पास वन थ्री फोर, कितने हो गए वन थ्री फोर और ये टू थ्री फोर, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए इसमें, और हम यहाँ पे क्या ले लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। एक एलिमेंट हमारा और रह गया इसके अंदर जो हमें क्या आएगा यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे अपने पास कितना हो गया थ्री कॉमा फोर, जिसके अंदर ये सारे के सारे और आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या है, 3.4, जिसके अंदर 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं है। तो इनको टोटल अपन काउंट करेंगे तो अपने पास कितने हो जाएंगे, ये 12 ऐसे सबसेट्स हो जाएंगे जिसके अंदर एट मोस्ट वन एलिमेंट ही बी का आएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, r+1 × 2^n-r। ठीक है, तो इससे सॉल्यूशन आ गया 12। और जब हम फिजिकली लिखना चाहें तो कौन कौन से लिख रहे हैं अपन, 5 जिसके अंदर क्या नहीं है, एलिमेंट है ही नहीं बी का, ऐसे ही 3, 4 में नहीं है, 1 में 1 ही है, 2 में 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, और ये टोटल कितने हो जाएंगे 12। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं एक सेट के। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि हमें क्या है, 2 सेट्स गिवन होंगे, ठीक है, जिसमें एक के हमें क्या निकालने हैं, सबसेट्स, बट दूसरे एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स हैं या फिर एक एलिमेंट है या ज़्यादा से ज़्यादा एक एलिमेंट है या कम से कम एक एलिमेंट है, ऐसे सबसेट्स बताने होंगे ए सेट के। तो इस तरीके से हम बाई फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के लिए। और जब सब्जेक्टिव फिजिकली लिखने हो तो आप ऐसे सेलेक्ट करके इसको लिख सकते हैं। ओके।